हे एवरीबडी आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी सो इस वीडियो में हम मोक टेस्ट सीरीज़ के मॉड्यूल टेन को डिस्कस करेंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं एंड फ्रेसिस उन सभी को हमने इसमें कवर करने को कवर को करने की कोशिश की है जिसमें थर्टी हमने जो है एम रेडी किए हैं जो लीगल मैक्सिम्स पर हैं तो आपको इन सभी को पूरा देखना है और खुद से भी सॉल्व करने हैं और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टा एफ बी एंड अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्सेंस एट एडम तो इसका क्या मतलब होता है ऑप्शन ए डिसएग्रीमेंट ऑफ माइंड्स ऑप्शन बी नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज ऑप्शन सी वॉइड एग्रीमेंट ऑप्शन डी द मीटिंग ऑफ माइंड सो द फर्स्ट सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी द मीटिंग ऑफ माइंड्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट इज़ मीन बाय उबेरिमा फाइट ओबेरिमा फाइट का क्या मतलब होता है ऑप्शन ए मेला फाइट एक्शन ऑप्शन बी रोंगफुल कन्फाइमेंट ऑप्शन सी विशियस इंजरी ऑप्शन डी एट मोस्ट गुड फेथ सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ओबेरमा फाइट का मतलब होता है एट मोस्ट गुड फेथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू मीन बाय न्यूडम पैक्टम तो न्यूडम पैक्टम का क्या मतलब होता है ऑप्शन ए इलीगल ऑब्जेक्ट ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑन एलियन बैरन लैंड ऑप्शन सी अग्रेटिटस और बेयर प्रोमिस डिवॉइड ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑप्शन डी मेलाफाइट प्रैक्टिस सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन बाय क्विट प्रो क्यू सो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है ऑप्शन ए नथिंग फॉर नथिंग ऑप्शन बी चीप बार्गेन ऑप्शन सी इलीगल एग्रीमेंट ऑप्शन डी इज समथिंग फॉर समथिंग कंसिड्रेशन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज समथिंग फॉर समथिंग समथिंग इन रिटर्न भी होता है समथिंग फॉर समथिंग रिटर्न इन रिटर्न भी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ मीन बाय डॉक्ट्रीन ऑफ रेस्टिट्यूशन तो डॉक्टरिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है ऑप्शन ए लॉ डॉक्टरिन गेंस बेस्ड रिकवरी ऑप्शन बी लॉ डॉक्टरिन विच बार्स रिकवरी ऑप्शन सी लॉ डॉक्टरिन विच अलाउस मर्सी पटिशंस ऑप्शन डी लॉ डॉक्टरिन बेस्ड ऑन डेट पेनल्टी तो यहाँ पर जो डॉक्टरिन ऑफ रेंस्टिट्यूशन है इसका मतलब होता है लॉ डॉक्टरिन गेंस बेस्ट रिकवरी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलाफाइड मीन्स मेला फाइड का क्या मतलब होता है इन गुड फेथ ऑप्शन बी इन बैड फेथ ऑप्शन सी इन अटमस्ट गुड फेथ ऑप्शन डी मैन ऑफ फेथ सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इसी के साथ ही मेलाफाइड की जगह अगर बोनाफाइड आता है तो इसका मतलब होता है कि गुड फेथ बोना फाइट का मतलब होता है गुड फेथ और मेला फाइट का मतलब होता है बैड फेथ और ऑलमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है उबेरमा फाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर फोइ कन्विक्ट इसका क्या मतलब होता है ऑप्शन ए नो पर्सन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस ऑप्शन बी वन हु रिपीट द सेम ऑफेंस कैन बी पनिश्ड ट्वाइस ऑप्शन सी नैदर ए नॉट बी ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली कन्विक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रजशन ऑफ लॉ सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नो पर्सन कैन बी ट्वाइस नो पर्सन कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस तो ये जो है आपके आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एनी लो इज सेट टू तो बी अल्ट्रा वायरस जब कोई लो अल्ट्रा वायरस सेट कहा जाता है क्या मतलब होता है इसका so the correct uh, so the first option is it means it is within the powers of legislature and it does not go beyond the supreme and fundamental law of land option b it means it is not within the powers of legislature and it goes beyond the supreme and fundamental law of the land option c neither a nor b option d it is in the power of the legislature but outside the power of being <laughs> delegated legislation so the correct option is option b it it means it is not within the power of legislature and it go be, goes beyond the supreme and fundamental laws of the land next question is when any law is said to be intravirus who next last question may ultravirus the ye intravirus सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ इट मीन्स इट इन इट इज़ विद इन द पावर ऑफ लेजिचर एंड इट डज नॉट गो बियड द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड सो दोनों ऑप्शन सेम हैं वो अल्ट्रा था तो वो बियन्ड था और ये इंट्रा है तो डज तो नाट गो बियड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म लीगल टर्म ये एक लीगल टर्म है हबीस कॉरपस अगर आप, आप आर्टिकल थर्टी टू को देखेंगे तो ये एक हमारी रिटबी है इसका क्या मतलब होता है दैट द बॉडी रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स ऑप्शन बी इस मीन ट्राइट्स टू मूव फ्रीली ऑप्शन सी द सेम कॉज ऑफ डैमेज ऑप्शन डी आई क्लेम ऑन लीगल ग्राउंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट द बॉडी बॉडी रिक्वायर्स फॉर रिस्पॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू मीन बाय द टर्म एड लिटम एड लिटम टर्म का क्या मतलब होता है सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर द सूट ऑप्शन बी पार्टी इन अ डिस्प्यूट ऑप्शन सी टैक्स लिटिगेशन ऑप्शन डी मनी एग्रीमेंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर द सूट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ मीन बाय द लीगल मैक्सिम और वर्ड जस्ट जसने कोगेंस इसका क्या मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ कम्युनिटी ऑप्शन बी इंटरनेशनल लॉ ऑप्शन सी

ऑप्शन सी गुड्स विदाउट एन ऑनर ऑप्शन डी विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ऑफ विल सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ट्रीटीज़ आर लीगली बाइंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर सोना नॉन ग्राटा इसका क्या मतलब होता है ऑप्शन ए बाय द फैक्ट इट सेल्फ ऑप्शन बी पर्सन नॉन वांटेड ऑप्शन सी स्टेट रिकोगनाइजेशन ऑफ लॉ ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पर्सन नॉन वांटेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोना वैकेटिका वकेटिया इसका क्या मतलब है ऑप्शन ए गुड्स विदाउट एन ऑनर ऑप्शन बी लेट द सेलर बी अवेयर ऑप्शन सी टू द एक्सट्रीम कॉन्ट्रेरी ऑप्शन डी टू लॉ डज नॉट नॉट ट्रिफिलिंग मैटर्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तो यहाँ पे आप जब भी इनको करें तो इनके रूट वर्ड्स को देख लें जैसे बोना का मतलब क्या होता है बोना का मतलब होता है गुड तो वैकेटिका यहाँ पे वैकेंट से है तो यहाँ पे जो चीज़ वैकेंट है यानी कि गुड विदाउट एंड ऑनर सो लो एंट्रेंस जितने भी लो एंट्रेंस आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक चीज़ और अगर आपने हमारे बाकी मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं जो अलग अलग सेक्शंस पे हाँ, आ चुके हैं तो मोक टेस्ट सीरीज में हमने उन सभी को कवर किया है तो आप उन सभी को ज़रूर देखिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट टॉट जैसे हमने सब्जेक्ट्स को भी कवर किया है जो आपके टॉपिक्स हैं तो मस्ट वॉच एंड कीप रिवाइजिंग क्योंकि रिविजन से आप अभी नया जो है वो टॉपिक आपको स्टार्ट करने का टाइम नहीं है आपने जो पढ़ा है आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाइए सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अ गुड विदाउट एन ऑनर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इप्सो फैक्टो इप्सो फैक्टो का मतलब क्या होता है तो बाय द वेरी फैक्ट इट ऑप्शन बी लेजिटिमेट ऑप्शन सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑप्शन डी इन गुड फेथ तो इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द वेरी फैक्ट एकदम फैक्ट पे जाना नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टर्स नॉन फेसिड निसी मेन्स डिट्रिया सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज़ अ गिल्टी इंटेंट अगर आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो आप जो है गिल्टी नहीं माने जाओगे जैसे कि यहाँ पे जो क्राइम होता है क्राइम के दो एलिमेंट होते हैं मेन्स रिया प्लस में एक्टस रिया तो यहाँ पे जो है आपके आप कुछ भी एक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके लिए क्या होना चाहिए मेंस रिया होना बहुत ज़रूरी है तो इस, इस इस लीगल मैक्सिम का मतलब है द एक्ट डज नॉट मेक वन वन गिल्टी अनलेस देयर इज़ अ गिल्टी इंटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉक्स पॉपुली तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉइस ऑफ द पीपल जो आपकी जनता है जो लोग हैं उनकी आवाज़ को बोला गया है वॉक्स से यहाँ पे वॉइस है और पॉपुली से मतलब यहाँ पे लोग हैं जनता पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस डेलिक्टी कॉर्पस डेलिकटी का क्या मतलब होता है कॉर्पस डेलिकटी का मतलब होता है द क्राइम ऑफ बॉडी जो क्राइम हुआ है उस क्राइम में जो डेड बॉडी है या बॉडी है वो है द बॉडी ऑफ क्राइम नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरेट सो द इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफलिंग मैटर्स ट्रिफलिंग मैटर्स वो होते हैं जो बहुत ही छोटे मैटर होते हैं जैसे कि मान लीजिए ए और बी जो हैं वो दोनों फ्रेंड हैं ए, ए ने जो है बी को बोला कि ठीक है कल से हम दोनों साथ में मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और सात बजे हम एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेंगे बी ने बोला ठीक है तो उसके बाद कल से जो है यहाँ नेक्स्ट डे से बी रोज़ जो है यहाँ पे वो वॉक वो, के लिए जो है ए का इंतज़ार करता है लेकिन ए आता नहीं है और यहाँ पे बी को आधे से एक घंटे इंतज़ार करना पड़ता है ऐसे करते करते वन वीक हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है बी इस बात के लिए जो है ए को सू नहीं कर सकता और अगर सू करता भी है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि ये ट्रिफिलिंग है ये ट्रिफिल मैटर है बहुत छोटा मैटर है जो बहुत ज़्यादा छोटे मैटर होते हैं उनमें जो है कोर्ट जो है उनको इंटरफेयर नहीं करते उन पर नोटिस नहीं दे मतलब ध्यान नहीं देती है उनको नोटिस नहीं करती तो डी मिनिमस लैक्स नॉन क्यूरेट तो आप भी ऐसा मत कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ तो बाकी ये इसका यही मतलब है कि छोटे छुट छोटे मैटर में ध्यान नहीं दिया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑबिटर डिक्टा ऑबिटर डिक्टा का क्या मतलब होता है ऑबिटर डिक्टर का मतलब होता है रीज़न फॉर बींग अ पार्ट ऑफ जजमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक जो जज होता है जज कई बार ऐसे होते हैं ज़, जो जजेस होते हैं वो जजमेंट के साथ अपना एक ओपिनियन भी देते हैं तो वो जो जजमेंट होती है वो तो बाइंडिंग होती है लेकिन ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता तो ये भी उससे रिलेट है कि आप जो एक जजमेंट का पार्ट होता हो जाता है ये भी कि रीज़न जो देते हैं वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि वो जजमेंट क्यों दे रहे हैं तो इसके साथ ये चीज़ होती है ओबिटर डिक्टा कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर फाइव जो फाइव जजेस के बेंच हैं तो इसमें जो चार जजेस हैं उन्होंने अपनी असेंट दी है और जो एक जज है उन्होंने अपनी डिसेंट दी है और इसके साथ ही जो एक जज ने डिसेंट दी है तो यहाँ पर जो है वो या इसके पीछे इनका एक रीज़न होता है तो वो जो रीज़न होता है वो ओबिटर डिक्टा में आता है और लेकिन ये जो है यहाँ पे जो जजमेंट होती है वो इसके पीछे का बैकग्राउंड होता है कि, कि किस थिंकिंग से वो जजमेंट दी गई है उसके पीछे रीज़न क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोई फैसेट पर एल्बम फैसेट पर से तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है ऑप्शन ए ही हुए एक्ट्स सो अनोदर एक्ट्स बाई हिमसेल्फ कि कोई दूसरे के थ्रू जो एक्ट कर रहा है वो खुद के लिए ही कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियोडेसिडेंडी रेशियो डेसीडेंडी का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए विदाउट विच नथिंग ऑप्शन बी इनडेफिनेटली ऑप्शन सी अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन ऑप्शन डी नन ऑफ द एबब तो रेशियो डेसीडेंडी का uh, इसमें करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एब सही ऑप्शन इसमें नहीं दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस जुडिकटा तो इसका क्या मतलब होता है ऑप्शन ए अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन ऑप्शन बी बाय दिस वेरी फैक्ट ऑप्शन सी अ केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड ऑप्शन डी थिंग्स दैट आर सेड इन द पासिंग ऑफ अ जजमेंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अ केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड और जो केस पहले से डिसाइड हो चुका है जिसकी जजमेंट हो चुकी है उसे रेस जुडिक्टा बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टोरी इनकम्बीट ओनस प्रोबेंडी इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिव प्लेटिव के ऊपर बर्डन जो है वो होता है उस चीज़ को प्रूफ करने का अपने फैक्ट्स को प्रूफ करने का नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यूर्स इंटरव्यूर्स का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन बिटवीन दो लो, दो जो लिविंग पर्सन हैं उनके बीच में इंटरव्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्डिट सुपीरियर इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल आंसर कि प्रिंसिपल जो है यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है आंसर देने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वी वंटो ये क्वी वंटो का क्या मतलब है ये हमारी आर्टिकल थर्टी टू में जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स की पावर हैं उसमें पांच रिट में से एक रिट है क्वी वंटो और इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है बाय हुज़ अथॉरिटी तो आ, ए, लो एंट्रेंस टेस्ट में डी यू एल एल बी में स्पेशली यहाँ पे जो है पाँच रिट में से एक रिट एक रिट पे हमेशा क्वेश्चन आता है हर साल आता है तो आपको पाँच सौ रिट बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीरिया साइन डैमनम ये टॉर्ट का क्वेश्चन है टॉर्ट के इंट्रोडक्शन में पूरे टॉर्ट में यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज ठीक है तो अगर आपको इंजरी हुई है लेकिन आपको एक्चुअल डैमेज नहीं हुए हैं और यहाँ पे जो इंजरी है वो आपके लीगल राइट right की हुई है तो यहाँ पर इंजेरिया साइन डैमनम का करेक्ट ऑप्शन है इंजरी विदाउट डैमेज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नोरेशिया इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यू एक्ज uh, तो यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है अगर यहाँ पे अगर फैक्टो होता फैक्ट तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ किसी भी कंडीशन में एक्सक्यूजेबल नहीं है हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सी एक्सक्यूज कि अगर आप जो है लॉ ब्रेक करके कभी भी आप उसका एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो हाँ इनकेस अगर आपका फैक्ट जो है आप फैक्ट को भूल गए तो उसके लिए आपका जो एक्सक्यूज है वो एक्सेप्ट हो सकता है मान लीजिए आपने गलती से रेड लाइट क्रॉस कर दी और उस जगह आपको नहीं पता था कि रेड लाइट क्रॉस करना जो है वो आ, यहाँ पे पनिशेबल है या उस गलत है या लो ब्रेकिंग माना जाएगा लेकिन आपने गलती से कर दी तो यहाँ पे आप इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था तो यहाँ पर ये प्रज्यूम किया जाता है कि हर पर्सन को जो है वो लॉ की नॉलेज होती है होनी चाहिए और उसे पता है इसीलिए यहाँ पे आपको लॉ ब्रेक करने पे आपको जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी पनिशमेंट चाहे वो फ़ाइन हो इम्प्रिजलमेंट हो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे ये हमारे थर्टी लीगल मैक्सिम्स कंप्लीट होते हैं इसके अलावा और भी हैं ये हमने मेजर मेजर निकाले हैं तो आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस हमारे मूक टेस्ट सीरीज आप ज़रूर देखिए वो लॉ एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग अवर वीडियोस थैंक यू